माँ कितनी खुश है तुम्हें देख के, तुमसे बातें करके। काश काश तुम उनके घर की बहू बन सको। अमृता, पेशेंट घर जाना चाहते हैं पेशेंट। अरे घर तो चले जाओगे, लेकिन घर में कोई ऐसा है जो ख्याल रख सके, और वैसे भी आपको घर में आराम ही करना होगा। डॉक्टर, मैं इनका ख्याल रखूंगी। तो आप ख्याल रखेंगी मेरा? तुम्हारी माँ से वादा जो किया था। मैं संजना से मिला, ख्वाब था या हकीकत मैं नहीं जानता, लेकिन वो जन्नत में थी। कैसे हो तुम? तुम संजना का नाम ले रहे थे बेहोशी में। अच्छा, हाँ, तुमने कहा कि तुमने संजना को देखा, शायद से तुम सपना देख रहे थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम जन्नत में हो। आपको बहुत तंग किया ना मैंने? नहीं अपूर, बल्कि तुमने तो मेरी जान बचाई एक दरिंदे से। आप तो बिल्कुल परी जैसी हैं। आपकी जान कौन ले सकता है? नहीं अपूर, मैं कोई परिवरी नहीं हूं। मैं एक ब्याहता हूं, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे पति समुद्र में कहीं खो गए हैं, लापता हैं पिछले 1.5 सालों से, और मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूं। Thank you.
व्यवहार कैसा है? वैसे सुबह सुबह आप एक पुजारिन ही लगती हैं। मेरा सच जानने के बाद भी तुम ये कह रहे हो? मिनी जी का मिस कॉल? हाँ अमृता, अपूर्वा कैसा है? मिनी जी, मैंने अपूर्व को सब कुछ सच सच बता दिया। तो क्या रिएक्शन था उसका? चुप हो गया। उसकी नजरें उसे मुझसे दूर ले गई। अभी बताना जरूरी था? वो सचमुच मुझे कोई परी समझने लग गया था। और मैं कोई परी थोड़ी ना हूं, मैं एक साधारण सी इंसान हूं जो अपने हालातों से बंधी हुई है। और मैं कब तक उसे ख्वाबों की दुनिया में जीने देती? कम से कम अपने बारे में तो नहीं। मैं उसे सच बताना ही चाह रही थी। मैं कब तक इस बात को अपने सीने में छिपा के रखती? ये बात मेरे दिल पे एक बोझ की तरह बनती जा रही थी। मैं समझ सकती हूँ। बच्चे कैसे हैं? वो तो भूल ही गए हैं तुझे। मस्त है अपने आप में। मिनी जी, आप सच में सिमरन और राहुल की माँ जैसी हो गई हैं। उन्हें पिता का प्यार तो नहीं मिला एक अरसे से, मगर हाँ उन्हें दो माए जरूर मिल गई हैं। कविता भी तो अकेली थी ना, उसे एक भाई मिल गया, एक छोटी सी बहन भी मिल गई ना। अच्छा चल, अब अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। Bye. ऐसी सुबह एक अरसे बाद देख रहा हूं, बुखार कैसा है? वैसे सुबह सुबह आप एक पुजारिन ही लगती हैं। मेरा सच जानने के बाद भी तुम ये कह रहे हो? कैसा सच? वही जो मैंने कल रात तुमसे कहा। लेकिन मैं तो कल दोपहर को सोया था और आज सुबह उठा। मैं बीच में उठा था क्या? हाँ, तुमने कहा था कि तुमने संजना को भी सपने में देखा था। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम्हें मेरा सच भी याद नहीं? नहीं। कड़वा था या मीठा? मेरे लिए तो मीठा था।
मगर शायद तुम्हारे लिए कड़वा हो। तो फिर रहने दीजिए, वैसे ही इतनी कड़वी दवाइयां खा रहा हूं। इतनी हिम्मत करके आज फिर मैंने कोशिश की कि उसे मेरा सच पता चल जाए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। मैं जानती हूं कि उसके लिए ये सच कड़वा होगा, लेकिन उसे सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा ना। अमृता एक बार हिम्मत करके अभी उसे सब कुछ बता दे। अब तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ विशाल। हाय अमृता, एक माइंड ब्लोइंग न्यूज है। इनफैक्ट एक क्यों, दो। क्या? कुणाल आपटे पकड़ा गया। इनफैक्ट उसने खुद पुलिस के सामने जाके सरेंडर किया। बहुत भौंकता था, मगर था तो कुत्ता ही, शेर नहीं। और दूसरी खबर यह है अमृता कि ऑब्वियसली अब चुनाव आयोग ने तुम्हें निर्वाचित घोषित कर दिया है। अच्छा। आज का पेपर पढ़ो ना, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ आया है। कांग्रेट्स विशाल। पार्टी होनी चाहिए अमृता अब तो। अरे विशाल, लेकिन अभी तो तुमने पार्टी दी थी, अब बार बार पार्टी देने का कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है। अरे यार, वो पार्टी ठीक है, असली पार्टी तो अब होगी। नहीं विशाल, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, अपूर्वा की देखभाल करने में? हाँ विशाल, तुम तो जानते ही हो कि अपूर्वा ने मेरी जान बचाई थी। अगर उस दिन उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद से मैं आज किसी अस्पताल में गंभीर हालत में होती, या फिर मर चुकी होती। और वो साई की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा था और उसने छुरा अपने जिस्म पर ले लिया। वाह, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए अमृता कि तुम्हें अपूर्वा जैसा चाहने वाला मिल गया है, और तुम्हारे प्यार की सराहना भी करूंगा। कितना ख्याल रख रही हो उसका, उसके घर में भी रह रही हो। विशाल, मैं सिर्फ उसका ख्याल रख रही हूँ, दैट्स इट। प्यार भी अजीब अजीब काम करवाता है अमृता। विशाल, खुश रहो अमृता, एंजॉय योरसेल्फ फॉर वंस। खुद को भाषण देना बंद कर दो। किस्मत से कोई प्यार करने वाला मिलता है, अविंदर जीत के नाम पे इस प्यार को खो मत देना। लव एंड बी लव। बाय, सी यू। आराम से। किसका फोन था? विशाल का। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कुणाल आपटे ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और मैं निर्वाचित घोषित कर दी गई हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी। अपूर्व, अपूर्व।
बधाई हो, अब तो पार्टी होनी चाहिए। मेरा हाथ जो तुमने इतनी देर से पकड़ा हुआ है, क्या ये तुम्हारे लिए पार्टी से कम है? अरे यार, तुम तो शर्मिंदा कर देती हो। जरा मेरी डायरी देना। इसमें तुम गजलें लिखते हो? हाँ। एक शेर तुम्हारे नजर करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, तुम तो रोने लग जाती हो, भावुक हो जाती हो तुम। अरे नहीं अपूर्ण, प्लीज सुनाओ ना, मैं नहीं रोऊंगी। सुनाता हूं। बातों बातों में फसानों से फसाने निकले, बातों बातों में फसानों से फसाने निकले, यार मिल बैठे तो यादों के खजाने निकले। वाह वाह, और तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी ये शायरी सुनकर मैं रोने लगूंगी? क्या अपूर्व, बल्कि अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं रोऊंगी। मैं खोलती हूं। मॉम, डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये तूने क्या किया अपूर्व, तुझे कुछ हो जाता तो? मैं ठीक हूँ माँ। अमृता, तुम, तुम्हें तो हमें खबर करनी चाहिए थी। और मुझे अपूर्व ने आप दोनों को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। अरे ये तो नादान है, तुम तो समझदार हो। माँ, मैं अमृता से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ तो क्या शादी भी इसी से करने वाले हो? माँ, उसी ने तो मेरा ख्याल रखा और आप उसे ही डांट रही हो। आज इसी को बचाने के चक्कर में तेरा यह हाल हुआ है, और इसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुमने इसका ख्याल रखा है। अपनी जान की परवाह न करके। माँ, बस करी। नहीं करूंगी, बस बोलूंगी मैं। तो फिर आप जा सकती हैं, लेकिन अमृता से कुछ मत कहिएगा। आज तुम इसके लिए अपनी माँ को जाने के लिए कह रहे हो? अरे तुम जानते ही कितना हो इसे। मैं जानना था, मैं जान चुका हूँ। हमें इससे मिलवाया सब कुछ जानते हुए? माँ, मैं अमृता से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ तो क्या शादी भी इसी से करने वाले हो? वो फैसला मैंने अमृता पे छोड़ दिया। हाँ बेटा, सब कुछ अमृता पे छोड़ दिया, बिना ये जाने समझे कि वो कौन है, क्या है। ये क्या शादी करेगी तुझसे? ये पहले से शादीशुदा है।
छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसके भी हैं। आज सुबह के अखबार में सब कुछ छपा इनके बारे में, पूरी हिस्ट्री। अरे कॉर्पोरेटर बन गई तो क्या हुआ, है तो शादीशुदा ही, दो बच्चों की माँ। अरे मैं पूछती हूँ, सारी कुंवारी लड़कियां मर गई हैं, हो क्या गया तुमको, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पता नहीं। मैं गई थी उसके घर उसे बताने के लिए, बीच पर मिलके भी मैंने उसे बताने की कोशिश की, और यहां तक कि कल भी बताना चाह, पर वो मेरी बात सुनना नहीं चाहता था, तो मैं क्या करती। तो भूल क्यों नहीं जाती इनसे बातों को, उसके माँ ने जो कुछ भी कहा अपने बेटे के लिए कहा, वो तुझे तो पहले पसंद करती थी ना, ये तो अपूर्वा ने ना समझे दिखाई कि तेरी सच्चाई नहीं सुनी।